दिल्ली में इंडिया गेट के पास बने सैकड़ों फ्लैटों को गिराया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। ये सभी फ्लैट नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया यानी NSCI की जमीन पर बने हैं। इन फ्लैटों को तोड़कर अब यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि PMO की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पुराना किला रोड पर 8.5 एकड़ की जमीन केंद्र की है और नए घरों के निर्माण के लिए इसका जल्द से जल्द क्लियर होना जरूरी है। इस जमीन को अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने के लिए NSCI को दिया गया, लेकिन बाहरी लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अभी मौजूदा 55 फ्लैट NSCI कर्मचारियों से संबंधित हैं, जबकि 150 फ्लैटों पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले कुछ ही सालों में इन सभी को बिजली और पानी का कनेक्शन भी मुहैया कराया गया। आदेश में वहाँ मौजूद सभी फ्लैटों की स्थिति और नंबर के बारे में पूछा गया, जिससे कि आगे के प्लान पर काम हो सके। मौजूदा डेटा के मुताबिक NSCI की जमीन पर एक क्लस्टर है और खबर है कि DDA को जमीन खाली कराने के निर्देश दिए गए। मोदी सरकार की ओर से 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य गरीबों को घर देना था। इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा किया जाना है। केंद्र की ओर से दिल्ली में इसके अलावा DDA के तहत एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इसमें भी कब्जा करने के कई तरह के केस सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।